हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, यहाँ पर हो रही है माही की ब्रेकफास्ट टिफिन की तैयारी। मतलब यहाँ पर मैंने ढोकला बनाया था। एक्चुअली ना ढोकला जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था। मतलब मैंने बनाया था सूजी और उसमें बेसन थोड़ा सा मिला के सूजी का ढोकला बनाया था, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना था। एक्चुअली ना मेरे से ढोकला जो है वो सॉफ्ट बनता ही नहीं है। मतलब बहुत बार मैंने ट्राई किया है, बट इस बार सॉफ्ट बना था, बट एक पचका हो गया था। मतलब एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। क्या हुआ था कि जल्दबाजी के चक्कर में ना, मतलब माही को टिफ़िन देने के चक्कर में माही बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। मतलब मम्मा जल्दी दो, मम्मा जल्दी दो, मतलब मम्मा जल्दी बना दो करके, तो मैंने जल्दी से निकाल लिया। तो बीच का ना ढोकला जो है वो मतलब कच्चा ही रह गया था। तो इसी वजह से मैं साइड साइड का उसको निकाल के दे रही हूँ और देख रही हूँ कि बीच का, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर बीच का ना ढोकला वैसे ही रह गया था। फिर माही को मैंने साइड साइड से निकाल के दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर मैंने जो बीच का बचा था वो दोबारा से मैंने कढ़ाई में रख दिया होने के लिए। तो फिर बाद में अच्छे से स्पंज बन गया था। बट आज का ढोकला बहुत ज़्यादा स्पंजी बना है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, मेरे मम्मी को ढोकला बहुत ही अच्छे से आता है। ये जो सूजी का ढोकला है ना बहुत ही टेस्टी बनाती है मेरी मम्मी। और बट मैं बहुत बार ट्राई करती हूँ बनाने का, बट मुझसे बनता ही नहीं है। बट आज ना बना था, बट थोड़ा सा हो गया था प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, चल गया था, क्योंकि माही को मैंने साइड साइड का दे दिया था, तो साइड साइड का जो है वो पक गया था। इसी वजह से वो मैंने चला लिया था काम उससे, और अद्विक को भी दे दिया था फिर बाद में। तो इस तरह से फिर मैंने उसके बाद जो है, अद्विक स्कूल चला गया था, उसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी अपने। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सोफ़ा जो है क्लीन करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, क्लीनिंग की वीडियो में आपने देखा है मेरे, कि सोफ़ा जो है मैं पहले क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो डस्ट उसकी गिरती है उसके बाद फिर बाकी की क्लीनिंग होती है। सबसे पहले सोफे से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, बट सोफ़ा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बट फिर भी मैं एक बार उसे हाथ लगा देती हूँ, सुबह एक बार क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मेरा जो सोफ़ा है मतलब उसकी जो डस्ट है मतलब ज़्यादा उस पर ना दिखे। और अच्छे से जो पिलो वगैरह है वो उसे भी रख देती हूँ, ताकि वो भी अच्छे से दिखे फिर। तो नहीं तो फिर क्या होता है कि सोफ़े के जो पीलो है इधर उधर दिखते हैं ना, तो थोड़ा सा सोफ़ा मेसी दिखता है। और हाँ, काफ़ी लोगों ने, मैंने एक बार आपको बताया भी था इस सोफ़ा कवर के बारे में, फिर भी काफ़ी लोगों ने उसके बाद भी काफ़ी बार रिक्वेस्ट की है सोफ़ा कवर के बारे में बताने के लिए। तो गाइज, मैंने ये जो सोफ़ा कवर है वो मैंने लोकल मार्केट से परचेस की है। इसका लिंक काफ़ी लोग मांग रहे हैं, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहे हैं ये सोफ़ा कवर। एक्चुअली है ही ऐसी, मतलब एक्चुअली ये ना सोफ़ा कवर मुझे मैचिंग मिल गई थी लकीली। तो ये ना हमने वो जो थान होता है, थान ही बोलते हैं एक्चुअली, वो जो रोल होता है उस ली, मतलब कटवा के ली थी। तो एक्चुअली ना ये जो मतलब हमारा जो सोफ़ा है वो 10x10 का सोफ़ा है, तो इसी वजह से इतनी बड़ी जो सोफ़ा कवर है वो रेडीमेड नहीं मिलती है। इसी वजह से हमें कटवानी पड़ी, मतलब कटवा के लेनी पड़े। तो इस तरह से हमने वो जो थान होता है उससे ये कटवा के ली है, और लकीली हमें उसी कलर की मिल गई थी। और इसमें ना काफ़ी अच्छी सी शाइन है, और इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे सी, मतलब अच्छी है, नाजुक सी डिज़ाइन है और अच्छी लगती है, जो मेरे हॉल की थीम है उससे मैच भी होती है। तो इसी वजह से ना ये आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ये जो डिज़ाइन है। तो इसी वजह से आप लोग, काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे सोफ़ा कवर कहाँ से लिया है, वो लिंक दो लिंक दो। बट मैं आपको लिंक कहाँ से दूँ यार, मतलब मैंने लोकल मार्केट से लिया है, तो लिंक तो मैं दे ही नहीं सकती। बट आपको, आप सर्च करिए, आपके यहाँ पे भी मिल जाएगा। आपके जो सोफ़ा है, मतलब आपका जो सोफ़ा है थोड़ा सा उससे मैच होता हुआ ही ले लीजिए। मतलब अगर आप उससे मैच होता हुआ लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, दिखने में भी सोफ़ा अच्छा लगेगा। अगर आपका सोफ़ा कैसा भी हो, बट थोड़ा सा सोफ़ा कवर वगैरह से ना आपका सोफ़ा अच्छा दिखता है। मेरा जो सोफ़ा है नीचे से प्लेन है, मतलब जो कॉफ़ी कलर है, कॉफ़ी ब्राउन कलर, वो नीचे से प्लेन है। और ना किसी ने सोफ़ा के बारे में भी पूछा था, मतलब सोफ़ा के मटेरियल के बारे में भी पूछा था। तो सोफ़ा का जो मटेरियल है गाइज, वो है एक मतलब जो आपको ब्राउन कलर दिख रहा है, कॉफ़ी ब्राउन कलर, वो है वेलवेट। और जो आपको वो दिख रहा है मतलब क्रीम कलर दिख रहा है, यानी कि ऑफ वाइट कलर, वो है लेदर। तो दो ये है मटेरियल है इसमें यूज़ किए हुए। और ये भी हमने बनवा के लिया था, मतलब ये हमने रेडीमेड लिया है। इसका कॉस्ट भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे, इसका कॉस्ट तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ना ये रेडीमेड नहीं लिया था, मतलब बनवा के लिया था। तो मतलब सारे जो फर्नीचर है बनवाए थे, तो उस टाइम ही ये बनवाया था। और उस टाइम हमें इसका जो प्राइस है वो याद नहीं है, मतलब कितने में पड़ा है हमें ये। तो इसी वजह से ना
मतलब आपको प्राइस नहीं बता सकती हूँ मैं एग्जैक्टली कितने में पड़ा है, बट आप बनवा के लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मटेरियल भी आपको पता चलता है, आप सिलेक्ट कर सकते हो सारी चीज़ें। अगर आप रेडीमेड लेते हो तो उसमें कौन सी लकड़ी यूज़ होती है, क्या यूज़ होता है, हमें नहीं पता होता है, तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बनवा के ही लीजिए, काफ़ी लॉन्ग मतलब टाइम टिकता है, और कुछ भी हो उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा कुशनिंग का प्रॉब्लम होगा कुछ दिनों के बाद, मतलब कुशन थोड़ा सा दबेगी तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पर आप मैं बनाने वाली थी फिर आलू गोभी की सब्ज़ी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल उसमें जीरा राई डाल दिया है, उसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट और उसमें टोमेटो ऐड किया है, फिर मसाले ऐड कर दिए हैं, तो सिंपल सी आलू गोभी की सब्ज़ी है, जैसे कि आप भी बनाते हो, मतलब काफ़ी लोग बनाते होंगे, बट मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी। मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं प्याज नहीं ऐड करती हूँ, सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करती हूँ और बस टोमेटो गलने दूँगी, और उसके बाद फिर जो क्या बोलते हैं आलू गोभी है उसे मैंने काट लिया था और उसे मैंने थोड़ा सा धो लिया है और डाल के रखा था, क्योंकि आलू जो है थोड़ा सा हम लोग पानी में अगर नहीं डाल के रखते हैं तो काले हो जाते हैं जल्दी से, तो इसी वजह से मैंने पानी में डाल के रखा था, और फिर अभी ये वाले आलू गोभी मैं उसमें डाल दूँगी और उसे अच्छे से पकने दूँगी, तो उसको अच्छे से मसाला लग जाए तो तब तक हमें उसे ये करना है, मतलब घुमा लेना है और फिर हमें उसमें ढक्कन रख के पका लेना है। तो इसी तरह से मैं आलू गोभी की सब्जी बना लूँगी, और एक्चुअली ना आज मम्मी पापा और भाई आने वाला है तो इसी वजह से मैं ये खाना बना रही थी, एक्चुअली ना जल्दबाजी में बना रही थी, उसने मम्मी ने मुझे बोला, मतलब बोला ही नहीं था पहले आने वाले करके, जब वो निकले घर से तब मम्मी ने कॉल किया मुझे, और उस टाइम मैं क्लीनिंग ही कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ, क्योंकि वो निकले हैं तो फिर ब्रेकफास्ट करके ही निकले होंगे तो खाना तो वो यही खाएंगे, तो इसी वजह से फिर मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो मैंने सिंपल सा खाना बनाया था सुबह, यही दाल चावल रोटी, बस इतना ही बनाया था। अभी मैं दाल को तड़का लगा दूंगी, दाल को तड़का भी मैं सिंपल सा लगाती हूँ, मतलब सिंपल सा मैं सभी जैसे जीरा राई डाल देती हूँ, आप भी ऐसे ही बनाते होंगे, बट पता नहीं कौन कौन ऐसे बनाता है मुझे ज़रूर बताना। दाल को तड़का ऐसे लगाता है, मतलब थोड़ा सा मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ, जीरा राई डाल देती हूँ, इस तरह से उसे होने देती हूँ, उसके बाद मैं अपना दाल डाल देती हूँ और थोड़ा सा जो नमक है उसमें डाल देती हूँ, और जो जितना पतला रखना है हमें उतना पानी ऐड कर देती हूँ, बस इसी तरह से मैं सिंपल सा दाल को तड़का लगा देती हूँ, दाल दाल बोल रही हूँ, दाल को तड़का लगा देती हूँ, और उसके बाद चावल ना मैंने आज वो क्या बोलते हैं एक साथ नहीं बनाते हैं कुकर में वो लगा के, मतलब दोनों कंटेनर में, एक कंटेनर में मैं दाल लगाती हूँ, एक कंटेनर में चावल लगाती हूँ, ऐसे बनाए थे, मतलब अलग अलग नहीं बनाए थे, एक ही कुकर में दो कंटेनर में बनाए थे, तो इसी वजह से मेरा जल्दी बन गया था। ऐसे मैं जल्दबाजी में रहती हूँ ना तो ऐसे ही करती हूँ, दो कुकर में नहीं बनाती हूँ दाल चावल, तो अभी ना जब से ये राइस कुकर लिया है तब से ना थोड़ा सा ईजी जा रहा है मुझे, मतलब मैं इधर चावल लगा देती हूँ, इधर एक कुकर में दाल लगा देती हूँ तो हो जाता है, बट आज ना थोड़ा सा बहुत जल्दी 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 करना पड़ा, तो फिर और दाल चावल ज़्यादा खाते भी नहीं है, मतलब मेरे मम्मी के यहाँ पे ज़्यादा दाल चावल नहीं खाते, तो इसी वजह से मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाना था, तो मैंने वो वाले कुकर में, सादे वाले कुकर में ही बना लिया था, और यहाँ पर फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी, और रोटियाँ तो आपको पता ही है मैं कैसे बनाती हूँ, जो मुझसे न्यू ज्वाइन हुए हैं उन्हें नहीं पता होगा, बट जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें तो पता ही होगा मैं रोटियाँ कैसे बनाती हूँ, इस तरह से त्रिकोण करती हूँ और उसे गोल गोल बेल लेती हूँ, मतलब जैसे पराठे टाइप में नहीं होता है तेल अंदर लगा के फिर बेल लेते हैं, तो किसी किसी को ये थोड़ा सा अलग लगता होगा कि ये पराठे गोल गोल कैसे बना रही है, मतलब ऐसे त्रिकोण बनते हैं तो गोल गोल कैसे बना रही है, बट हमारे साइड में ऐसे ही होता है डियर, मतलब मराठी जो भी है तो वो समझ गए होंगे, बट बहुत से लोग नहीं समझते हैं, मतलब सोचते कि ये कैसे बनाते हैं, मतलब यहाँ त्रिकोण तो बना रहे हैं बट त्रिकोण बेल नहीं रहे हैं, गोल बेल रहे हैं, तो मराठी ऐसे ही रोटी बनाते हैं डियर। क्या कर रहे हो? क्या? स्ट्रॉबेरी? क्या कर रहे हो स्ट्रॉबेरी से? स्ट्रॉबेरी से उठा लो। स्ट्रॉबेरी से उठा रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी को उठा रहा हूँ। क्या हुआ मम्मा? लेके जो बन गया ना, आपने खुद बनाया?
नहीं, शिकार मामा ने बनाया। शिकार हम क्या खाने चाहिए? नहीं, शिकार मामा ने नहीं बनाया, खुद बनाया आपने? मैंने बनाया खुद। आपने खुद बनाया ये? हाँ हाँ मैंने बनाया। क्या है? हर भरी हर भरी हरा भरा हर भरा। अरे सब नहीं और देख दीदी को दो ना। आपकी है पूरी? पूरी आपकी है? फिर दीदी दीदी को दो। नहीं दो बनो बॉक्स ले लिए। सो गाइज यहाँ पर मैं DIY जो है अपना मॉइस्चराइज़र बना रही थी। मैं आपको मतलब आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है अगर आप बनाते हो ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको, मतलब टैनिंग हटाने में, ग्लो करने में आपकी स्किन, और भी काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। मतलब आपकी जो स्किन है वो टैन होने से भी बचेगी, मतलब सनस्क्रीन का भी ये काम करेगा। आप अगर धूप में इसे लगा के जाते हो हाथ पैरों को तो ये आपके सनस्क्रीन का भी काम करेगा। तो इसमें मैंने लेमन जूस मतलब लेमन जूस ऐड किया है। एक कटोरी में मैंने 2 लेमन जो है बड़े बड़े उसका जूस निकाल लिया है। उसके बाद मैंने उसमें ग्लिसरीन ऐड किया है, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी उसमें रोज़ वाटर। तो मैंने यहाँ पर गुलाबरी का रोज़ वाटर लिया है, और वो भी मैंने जितना लेमन जूस है हमारा, मतलब जितना मैंने लेमन जूस निकाला था उतनी ही क्वांटिटी में हमें लेना है ये रोज़ वाटर। और उसके बाद हमें उसमें उससे हाफ क्वांटिटी में, मतलब थोड़ा सा हाफ से भी कम क्वांटिटी में आपको उसमें ऐड करना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मेरे मुंह में ही नहीं आता है जल्दी से, तो ग्लिसरीन ऐड करना है, और वो ना एक ऐसे ही स्प्रे बॉटल में आपको भर लेना है, ताकि आप जब भी मतलब उसे बॉटल में, आप कोई भी बॉटल में भर सकते हो, बट स्प्रे बॉटल में अगर भरोगे ना तो थोड़ा सा इजी जाता है निकालने में। अगर आप स्प्रे करते हो तो जल्दी से निकल जाता है, और फिर नहीं तो आपको दूसरी बॉटल में अगर आप लेते हो तो उसका लीड निकालना पड़ता है, उसके बाद उसे निकाल लो, फिर उसके बाद कॉटन से लगाओ या हाथों से लगाओ, ऐसे करना पड़ेगा। और अगर स्प्रे बॉटल में भरोगे तो थोड़ा सा जल्दी से आप स्प्रे करके इसे अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से आप देख सकते हो, इसे मैं जल्दी से अप्लाई कर लूँगी, और ये ना इससे बहुत ही जल्दी मतलब स्किन मॉइस्चराइज भी होती है, बहुत जल्दी आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपकी टैनिंग हट जाएगी, और इससे आपके जो पोर्स है मतलब फेस के तो वो भी आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। मतलब काफ़ी सारे आपके स्किन के प्रॉब्लम मतलब ये सॉल्व करने वाला है, टैनिंग तो हटाने ही वाला है, और बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने वाला है आपकी स्किन को। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसका रिज़ल्ट मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा, मतलब कैसा लगा आपको ये वाला मॉइस्चराइज़र। तो गाइज यहाँ पर हो रही थी डिनर की तैयारी, और मम्मी बना रही थी यहाँ पे रोटी। और मम्मी ना जब भी आती है तो ऐसे ही हेल्प करती है मुझे। यहाँ पर मैंने हंडी चिकन बनाया था। एक्चुअली ये जो हंडी है हमारे साइड में ऐसी मिट्टी की हंडी में कभी कभी हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर मम्मी रोटी बना रही थी, मतलब बोल रही थी कि मुझे नहीं आप मैंने दोनों सब्जियाँ बना ली थी। मम्मी तो नॉनवेज नहीं खाती है, तो इसी वजह से मम्मी के लिए पालक पनीर बनाया था, और हमारे लिए हंडी चिकन बनाया था। तो हंडी चिकन मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है हंडी में चिकन, तो इसी वजह से वो बनाया था। और मम्मी ना ऐसे ही करती है मुझे, मतलब जब भी आती है तो मम्मी कुछ ना कुछ हेल्प कर ही देती है। मतलब वैसा भी होता है ना कि औरतों को कहीं पर भी कामों से मतलब वो नहीं मिलता है, छुटकारा नहीं मिलता है, कहीं पर भी औरतों को काम करना ही पड़ता है, वो भी है, और मम्मी तो स्पेशली हमारी हेल्प कर ही देती है। कोई भी मतलब किसी की भी मम्मी हो, बेटी के घर जाती है तो थोड़ा सा उसको लगता है कि नहीं बेटी की हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर वो निकले थे एक्चुअली जल्दी ही, मतलब हम लोगों ने खाना खा लिया था उसके बाद, और जल्दी ही वो जाने के लिए निकल गए थे। तो उनको बोला मैंने रुकने के लिए, बट नहीं रुक रहे थे। हम लोगों ने सभी ने बोला माही को, तो माही तो बहुत ही ज़िद्द कर रही थी, देखो उसके मामा को पकड़ के ही रखती है हमेशा, ऐसे ही करती है माही तो। बट क्या करे, वो भी थोड़ा मतलब बच्चों की तबीयत ख़राब थी ना, तो इसी वजह से मिलने के लिए आ गए थे। बट वो भी क्या करे,
मतलब वो रुक नहीं सकते हैं। एक्चुअली उनका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उनका भी एरिया ऐसे ही है, तो वो रात को नहीं रुक सकते हैं कहीं पर भी। मतलब उनका भी एरिया थोड़ा सा न्यू ही है, और ना उनके घर के आजू बाजू में भी ज़्यादा घर नहीं है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा मतलब किसी के यहाँ पे रात के टाइम में नहीं रुक सकते। इसी वजह से वो ना कितना भी लेट हो हमेशा चले ही जाते हैं। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप रुक जाओ करके, तो मम्मी बोली कि नहीं, एक और कभी आ जाऊंगी मैं, बट आज जाने दो। तो घर पे थोड़ा सा काम भी चल रहा है, मतलब कुछ चीज़ का काम चल रहा है, तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि नहीं कल लेबर भी आ जाएंगे काम करने के लिए, तो इसी वजह से वो चले गए थे। और माही बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी रुकने के लिए, बट वो बोल रहे थे कि बाद में आ जाएंगे करके। सो गाइज, अभी मम्मी पापा निकल गए हैं घर के लिए। मतलब उन्हें ना एक्चुअली उनको आज रोकना था हमें, मतलब रुकने के लिए बोल रहे थे बट वो नहीं रुके। उनको एक्चुअली घर पे काम चल रहा है कुछ चीज़ का, तो इसी वजह से वो नहीं रुके। और अभी घर बिल्कुल सुना सुना सा हो गया है, आपसे बात ही नहीं कर पाई मैं दिन भर से। मतलब जब से वो लोग आए, दोपहर में आए थे, तब से मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई। मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग करती हूँ, बट मैंने सोचा चलो एक दिन के लिए तो आया है, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया शूट उसके बाद। मतलब जब वो आए और उसके बाद, तो पापा और भाई तो चला गया था कहीं काम से, तो मतलब उनको काम था इसी वजह से, और मम्मी घर पे रुक गई थी, तो मैंने मम्मी के साथ ही टाइम स्पेंड किया। तो उसको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। मतलब बातें थोड़ी सी हुई, ज़्यादा तो हुई नहीं। फिर उसके बाद हम लोग खाना बनाने में लग गए, उसके बाद डिनर बनाया, अभी डिनर किया। और हम लोग चाहते थे कि वो रुके, बट वैसा ही होता है, वो कभी नहीं रुकते हैं। एक दिन के लिए आते हैं, मतलब सुबह आते हैं तो शाम को चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो रुकते ही नहीं है वो। मतलब रात को तो रुकते ही नहीं है, बट कभी कभी लगता है रुक जाए, तो माही बहुत फोर्स कर रही थी। माही हमेशा ही करती है बट वो नहीं रुकते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम है घर पे इसी वजह से। मतलब वहाँ पर ना हमारे जैसा ही एरिया है वो भी, तो थोड़ा सा वहाँ पर घर कम है घर के पास आजू बाजू में, तो इसी वजह से उनको लगता है कि रात को नहीं रुके कहीं पर भी, तो वो लेट भी हुआ तो चले जाते हैं घर पे। मतलब अभी देखिए अभी कितने बजे हैं, 10:30 बजे हैं, तो वो कभी कभी तो 11 बजे 11:30 बजे भी निकल जाते हैं यहाँ से, बट वो नहीं रुकते हैं। तो चलिए फिर मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया होगा पता नहीं अभी, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा या लंबा सा पता नहीं ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी ना नोज पिन निकल गई है, आज सुबह ही बाथरूम में गई थी। तो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल। अभी अभी अद्विक ने क्या किया है? अद्विक की स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। अद्विक ने क्या किया है? तेल लगाया। कौन सा? आलमंड ड्रॉप। बजाज, बजाज आलमंड ड्रॉप। पाउडर भी खाया। पाउडर भी खाया, पाउडर खाया, तेल लगाया। अच्छा किया आपने। चलिए फिर बाय बाय बोल दो। जैसे तेल कटा है। केश तेल कटा है। बाय बाय बोलो अभी जल्दी से। बाय बाय, टेक केयर।